जनपद में विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए कैंट पुलिस ने एसएसबी टीम के साथ सीओ कैंट श्यामदेव के नेतृत्व में महानगर में फ्लैग मार्च किया, जिसके संबंध में सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने बताया कि विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए 3 कंपनी एसएसबी का मिला है तथा 1 कंपनी शहर के लिए मिला है, जिनके साथ पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया गया है। उन्होंने कहा कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य जनता में सुरक्षा का भावना पैदा करना है, जिससे जनता बिना डरे व भय के विधानसभा चुनाव में मतदान कर सके। उन्होंने कहा धारा 144 व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है तथा यह फ्लैग मार्च विधानसभा चुनाव तक पूरे जनपद में चलता रहेगा। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, एसएसआई कैंट मनीष कुमार यादव, एसएसबी असिस्टेंट प्लाटून कमांडर जे सेनापति सहित एसएसबी के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्याम देव बिंद ने कहा, विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जिले में 3 कंपनी एसएसबी के जवान मिले हुए हैं, जो आज रात्रि में ही आए हैं, और 1 कंपनी शहर के लिए मिली हुई है। आज एसएसबी के जवानों के साथ पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जनता में एक विश्वास दिलाना है कि हमारे पास पर्याप्त फोर्स है और चुनाव में किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, भयमुक्त होकर लोग मतदान करें, यही इसका उद्देश्य है। फ्लैग मार्च अभी ये पैडलेगंज से शुरू होकर पैडलेगंज से छात्र संघ से यूनिवर्सिटी चौराहा, रोडवेज और रेलवे तक हुआ है, और इसके आगे भी ये फ्लैग मार्च काली मंदिर, गोलघर, गणेश चौराहा, बाकी बेतिहाता, दाऊदपुर और रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में भी होगा। देखिए धारा 144 भी लगी है और ये कोविड का भी चल रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो चल रहा है, इसके विषय में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सतर्कता रखें, मास्क लगाएं, लोगों से दूरी बना के रखें और मतदान जरूर करेंगे, ये लोगों को निवेदन भी किया जा रहा है और उन्हें जो है कि प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। आगे भी किया जाएगा फ्लैग मार्च, ये फ्लैग मार्च आगे भी चलता रहेगा, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक ये फ्लैग मार्च अनवरत चलता रहेगा।